हे व्हाट्सअप गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी स्टोरीज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज भी मेरे पास पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है एंड वी आर गेटिंग टू वेरी वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कुणाल छबारिया का। तो कुणाल छबारिया का न्यू वीडियो आउट हुआ जो कि यूट्यूब इंडिया पर सेकंड नंबर में ट्रेंड कर रही है। एंड आप देख सकते हैं कि वीडियो में कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक के थ्रू। 7.2 लाइक्स हो चुके हैं एंड 77 लाख व्यूज हो चुके हैं सिर्फ 1 डे में। तो आप समझ सकते हैं वीडियो का कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड इस वीडियो में राजकुमार राव, जानवी कपूर, वरुण शर्मा भी एक्टिंग करते हुए नजर आए। एंड अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं केरी मिनाटी का। तो केरी मिनाटी कल अपने सेकंड चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। वहां पर किसी बंदे ने उनसे पूछे कि भाई आपको राउंड टू हेल का वीडियो कैसी लगती है, तो आप खुद देखिए वो क्या कहें। राउंड टू हेल की वीडियोस कैसी लगती है? हेलो फ्रॉम कनाडा। सही है ब्रदर, सही है। काफी क्रेज है उनका एक्चुअली में। मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर तक ऐसे इतना पता नहीं था, बट काफी सही क्रेज के बारे में। वैसे मैं मिला उनसे कभी पार्टीज में मिला और हैव आई नो नो आई हैव नॉट और आई हैव ओके आई मेरी 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 एफपीएस क्यों नहीं आ रही है? मेरी आदाश बहुत बुरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इमवे का। तो इमवे अपना इंस्टा पे कुछ स्टोरीज को पोस्ट किया जहां पे बताया कि कल उनका न्यू ट्रैक आउट होने वाला है बाय द टाइटल नेम ऑफ ग्रीन। एंड कल 5 बजे इवनिंग में आपको वो ट्रैक उनके चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं गुलजार छानियाला के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गुलजार छानियाला का न्यू ट्रैक आउट हुआ है, देन उस पर भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले उसके फैंस के थ्रू। एंड अभी तक आप लोगों ने उस सॉन्ग को नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वहां से सुन सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा मिस्टर इंडियन हैकर जब से अपने चैनल पर घोष्ट सीरीज का वीडियो लाए हैं तब से उन पर काफ़ी सारे रोस्ट वीडियो बन चुके हैं। तो थगेश भी अपने चैनल पर रोस्ट वीडियो मिस्टर इंडियन हैकर के अगेंस्ट में डाले हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इलवी साधव का। इलवी साधव अपने सेकंड ब्लॉगिंग वाले चैनल पर MLM कंपनी का रोस्ट वीडियो डाले थे जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। एंड MLM कंपनी वाले उनको काफ़ी अब्यूज़ भी कर रहे थे, बट वो वीडियो अभी फिर से वापस आ गई है। देन उसी के रिगार्डिंग इलवी साधव अपने इंस्टा पर कुछ स्टोरीज को पोस्ट किए थे, तो आप खुद देखिए वो क्या कहे। एंड वीडियो पूरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो। बार बार सामने आ रही है ये, कई जो MLM वाले बंदे हैं मेरे यार दोस्त, ये मेरे को स्टोरी में टैग कर रहे हैं कि वीडियो उड़ गई वीडियो। अरे बहन चोद, अपने दिमाग से अंधे हो, आंख से भी अंधे हो गए, चैनल पे जाके चेक करो, वीडियो वही है भाई, वही है, कुछ नहीं गई। तो चलिए बात कर लेते हैं हितेशा चंद्रानी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा हितेशा चंद्रानी ने जोमेटो से अपने खाने को ऑर्डर किया था जो कि डिलीवरी बॉय उन्हें खाने पहुंचाने में लेट कर दिया था। तो उसी की शिकायत हितेशा चंद्रानी ने कस्टमर केयर अधिकारी को कर दी थी, जिसके कारण डिलीवरी बॉय ने हितेशा चंद्रानी को हिट कर दिए थे, जिसमें हितेशा चंद्रानी का नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी। देन उसी पर रिएक्ट करते हुए हितेशा चंद्रानी ने फिर से एक नई वीडियो अपलोड की है, तो आप खुद देखिए वो क्या कहें। And I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here, and ran off. Please share this video. Hey guys, I'm sorry. मैं कल से आपको कोई update दे नहीं पाई क्योंकि पूरा दिन FIR का procedure चला था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और pain बहुत severe हो चुका था. And doctor ने मुझे बहुत strong antibiotic दिया है, जिसकी वजह से मैं इतना तो भी बात कर पा रही हूँ. तो मैं यहाँ आपको थोड़ा अपडेट देना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने देखा और वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है ऐसा बोल रहे हैं, तो स्वेलिंग कम होने का वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो बताएंगे कि सर्जरी का क्या करना है. सो मैं उसका वेट कर रही हूँ. सो उसके लिए थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मेरा सही में बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस, और थैंक यू उन सबको जिन्होंने ये शेयर किया, और मीडिया को भी जो यू नो स्टेप इन किया और उन्होंने मेरी स्टोरी को यू नो रेक्टिफाई किया. एंड ऑल्सो कल मुझसे जोमैटो की थ्रेट ऑपरेशंस की टीम मिलने आई थी, उन्होंने भी सारा सब कुछ डिटेल में पूछा और उन्होंने कहा है कि हम आपका पूरा पूरा हेल्प करेंगे जो भी होता है इस केस से रिलेटेड, चाहे वो आपका मेडिकल से हो या इनफैक्ट पुलिस से भी. सो थैंक यू सबको जिन्होंने ये मेरे लिए किया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच. तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आती है तो मेरे चैनल के थ्रू आप लोग को जानकारी जरूर मिल जाएगी. एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए होते हैं यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।